जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी बड़ी याद आती है दोस्तों, क्या कहें। जब सवेरा होता था आपके साथ मिलना होता था, दिन भर आपके साथ बातें होती थी, कैसे समय व्यतीत होता था आपके साथ हंसते खेलते, क्या बताएं। आज वो दिन बड़े याद आते हैं। ठीक हो ना दोस्तों, आपका परिवार सब ठीक है ना। ऐसे ही हंसते रहना दोस्तों, मुस्कुराते रहना। आपने जो हमारे को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसका हम तहे दिल से कैसे शुक्रिया करें, मेरे पास शब्द नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है। साथियों, एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक अच्छे मनोकामना के साथ, आपके भलाई वास्ते, आपकी सेवा करने वास्ते हमने ये चैनल बनाया था। आपको पता है कि हम बड़े संकुचाते थे ये चैनल बनाने में कि यार क्या करें, लेकिन आज समय की आवश्यकता को देखते हुए हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि आपके लिए चैनल बनाए। आज पूरा दिन वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, लेकिन आपकी समय हमेशा तत्पर हैं। आप ध्यान रखिए, अपना केयर कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सब इस समय अपने मन से तो व्यथित है ही, और कहीं ना कहीं अंदर से व्याकुल भी हो रहे हैं घर में रह के। मगर ये समय धैर्य बनाए रखने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जैसी परिस्थिति बनी हुई है उस हिसाब से हमें घर में रहना ही उचित है। और इस समय हम वही पुरानी जो अपनी यादें हैं, जो हम बहुत समय अपने साथ बिताया करते थे, सुबह से शाम तक वो जो क्लासेस चलती थी और आपसे मुलाकात होती थी, उस समय तो शायद ये मोमेंट ज़्यादा मेमोरेबल नहीं लगते थे। मगर जब आज हमें खाली समय मिला है तो वो दिन बहुत याद आते हैं कि जब हम साथ थे, और उस समय काफ़ी मतलब इंजॉय किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, अपनी बातें किया करते थे शेयर एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा मोमेंट था, और वही मोमेंट दोबारा याद आते हैं, और आपको भी याद आते होंगे। कैसा लग रहा है आपको? तो धैर्य बना के अपना घर पे ही टाइम पास करें, और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में ये मलाल ना रह जाए कि हाँ हमने अपने समय को बर्बाद किया। इस बात का कहीं दुख ना बने, मन में एक शांति बनी रहे कि हाँ हमने उस विकट परिस्थिति में, इस ऐसे पैनिक स्थिति में भी अपने आप को संभाले रखा और अपने समय का सदुपयोग किया। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से अपने समय का सदुपयोग करते रहें। और जो आपने रिक्वेस्ट की थी कि क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो अभी तो फ़िलहाल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा परिस्थिति है उस हिसाब से ये खतरा लेना और देश को खतरा देना ये मुमकिन नहीं है और उचित भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि जब हमें मौका मिला है तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म में, हम शुक्रिया करते हैं YouTube का भी कि जिसने ये प्लेटफॉर्म हमें भी प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे सर बात करेंगे। साथियों, हमेशा जब भी विकट परिस्थिति होती है तो वहाँ हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। कहा जाता है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखियचारी। धीरज की, मित्र की परीक्षा ही विपत्ति के समय होती है। जब हम समाज में जाते हैं, देखते हैं, तो सभी अपने अपने लेवल से समाज का, देश का योगदान कर रहे हैं। एक युद्ध लड़ा गया था जब बॉर्डर पे जाकर सेनानियों के साथ हमारे देश के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ा। आज हम घर में बैठकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में मेरे और आपके सर के मन में, हमारे परिवार के मन में ये भावना आई कि यार बच्चों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ करें जिससे हम समाज को और देश को, हम भी इस विकट परिस्थिति में योगदान दे सकते हैं। जब काफ़ी विचार विमर्श किया तो भगवान की प्रेरणा हुई कि यार तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम्हारे पास टैलेंट है कि आप एजुकेशन के माध्यम से बच्चों का भला कर सकते हो। तो मैंने और आपके सर ने, हमारे परिवार ने आपके लिए
पढ़ाई की हर वो व्यवस्था की है जिससे आपको इस विकट परिस्थिति में भी पढ़ने का मौका मिले। साथियों, बैचेज तो अवश्य ही शुरू होंगे, जरूर शुरू होंगे, लेकिन थोड़ा समय का हम इंतज़ार करते हैं, धीरज रखते हैं, क्योंकि ये समय धीरज रखने का है, संयम रखने का है। साथियों, रात के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है, हर पतझड़ के बाद बसंत की बहार होती है। साथियों, जैसे ही आँख खुलती है आपकी बहुत याद आती है, क्या करें, इस यादों में हम आपको पढ़ाने की, आपको मोटिवेशन करने की, आपको हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो भी चिंताएं हैं उसे दूर कर सकें। इस समय आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखिए। इस समय हम आपके मेमोरीज को, हम आपके हर तरह के पढ़ाई के लेवल को मजबूत बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको पढ़ाई के लेवल से 1% भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लॉकडाउन आज खुले, चाहे कल खुले, चाहे 10 दिन बाद खुले, चाहे कितना भी समय लगे, आपको हमारे भवन की तरफ से, हमारे आपके सर की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से 1% की भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। और देखिए दोस्तों, ये समय अपने दोस्तों की भी भला करने का है, क्योंकि हम समाज के भले के लिए, आपके भले के लिए, देश के भले के लिए समाज में यहाँ आपके बीच में आए हैं। तो आप, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं, आपके जितने भी जान पहचान के हैं, आप उनको भी ऑनलाइन स्टडी के द्वारा, जैसे अभी आप सीख रहे हो, ऐसे ही इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि जब तक समय विकट है तब तक वो पढ़ें, और जब लॉकडाउन हटेगा आप और हम फिर मस्ती के साथ, वही प्यार का समय होगा, आँख खुलेगी, फिर आपके दर्शन होंगे, आपके साथ हंसी मजाक होगा, आपके साथ पढ़ाई की वो बातें होंगी, और फिर आपके साथ हंसते खेलते टाइम व्यतीत होगा, आपके सर भी आपको बड़े याद करते हैं, हमेशा आपके बारे में हम सभी बातें करते रहते हैं, फिर वो दिन भी आएगा जब आप और हम फिर मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, कोई भी तरह का टेंशन नहीं लेंगे, जैसे पंख से बिना दो पंखों के नहीं उड़ सकता, ऐसे ही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बिना कोई विद्यार्थी कामयाब नहीं हो सकता। इस समय आप आत्मविश्वास बनाए रखिए, दृढ़ संकल्प के साथ बढ़िए, अपना, परिवार का, समाज का ध्यान रखिए, और हमारे पढ़ाई के लेवल को, हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, ताकि हमने जिस मकसद से आपके लिए बनाया है वो मकसद आपके लिए कामयाब हो। अगर आप हमारे इस द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज को नहीं देखेंगे तो कैसे हमारा जो मोटिवेशन होगा, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोज बना रहे हैं। आपको पता होगा कि वीडियोज बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में कितना समय व्यतीत होता है, कितना ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक तो हमारे पास सीमित साधन है, हमने कोई तैयारी तो की नहीं थी कि हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार करें, हम तो बस आपके पढ़ाई के लिए, आपके भलाई के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। मुझे विश्वास है आप अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, अधिक से अधिक पढ़ाई का लेवल बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपना और परिवार का ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखिए, एक दिन अवश्य आएगा जब आप और हम फिर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। आशा के दीपक के साथ जुड़े रहिए, जैसे अंधकार होता है तो एक छोटा सा दीपक उस अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही जो आपका और हमारा आशा रूपी मिलन का जो दीपक है वह अवश्य ही इस कोरोना रूपी बीमारी को भगा देगा, और लॉकडाउन के इस अंधकार में हम हट के एक बार दोबारा एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो कैसा बीत रहा है आपका ये दिन, कैसे कट रहे हैं ये दिन आपके,
क्या आपको हमारी याद आती है? हमें तो बहुत याद आती है, क्योंकि जब भी हम क्योंकि इस समय खाली समय है, तो जब हम आपके वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं और जब वीडियो बना के हटते हैं, और जब भी हमारे पास खाली समय होता है, तो बस वही पुरानी जो यादें होती है वो हमारी आंखों के सामने होती हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि कोई भी आपको सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिए, और नंबर तो आपके पास है ही, तो सहयोग कीजिए अपना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी करते रहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है, और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य बना के ही इस जंग को जीता जा सकता है। और कोशिश कीजिए कि जो भी अपने आस पड़ोस में हैं, जो भी इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि ये समय कैसे बीतेगा, कैसे कटेगा, तो उनको भी थोड़ा सा सांत्वना बरतिए कि वहाँ आप पेशेंस रखिए, उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट देते रहिए कि कोई बात नहीं, समय आता है, बीत जाता है। अभी जैसे अमेरिका के हाल हैं, हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि भारत में बहुत ही कंट्रोल है कोरोना, और ये कंट्रोल रहे कंटिन्यू इसी तरीके से, और हमारा देश बचा रहे, बल्कि पूरा देश बचे। तो हमें चाहिए अपने देश के इस सुरक्षा बांध को और बनाए रखें, ताकि ये बीमारी है हमारे देश में ज़्यादा ना फैल सके। तो घर से ही अपना काम करें, घर पे ही अपना जो समय मिला है, ये कोरोना भी एक अच्छा टाइम हमें दे रहा है कि हम अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम पहले अपने काम में बिजी रहते थे, समय नहीं मिलता था हमें इतना कि हम अपने परिवार के साथ समय बिता सके, आज हम अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका पा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। बट कहीं ना कहीं देश के ऊपर जो विकट परिस्थिति है, उससे भी थोड़ा सा दुख है, बट कोई बात नहीं, दुख के बादल हैं, छट जाएंगे। समय अच्छा हो या बुरा कट जाता है, अच्छे समय के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, समय आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं, चिंताजनक कोई बात नहीं है। तो अपना प्रेम से पढ़ते रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, देश के बारे में सोचिए, और अपने पढ़ाई को ज़रूर कीजिए, चाहे समय कैसा भी हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपका कर्म जो है वो पढ़ाई है, और कर्म ही पूजा है, और कर्म ही देश सेवा है। इसलिए अपने कर्म को कभी मत भूलें। जैसे हमारे मन में था कि हम खाली बैठे करें क्या, तो हमने मन में सोचा कि हमारा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने को ही हमने अपना कर्म और इसको ही आपके सामने लाया। तो हमें याद आया कि हाँ, YouTube एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन सकता है जिसके द्वारा हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, और हम जुड़े, और आपने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने फैमिली, अपने दोस्त जितने भी आपके सहयोगी हैं उनको भी बताइए, और सबको सूचना दीजिए कि हाँ, पढ़ाई होती है। और आप जानते हैं जैसा कि हमारे इस चैनल पर हर चीज़, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर टाइप का, किसी भी लेवल का हो, चाहे 9th, 10th, 11th, 12th, किसी भी लेवल तक आप पढ़ना चाहें, आपको हर चीज़ उपलब्ध होगी। और जैसा कि आपके सर हैं मोटिवेशन देने में, तो कभी पीछे हटते नहीं, आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, आपको ज्ञान की बात देते ही रहते हैं, तो उसका आप आनंद भी ले रहे होंगे। आनंद लेते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। तो मैं चाहूँगा कि सर आपके साथ दो चार बातें और करें। साथियों, ये याद रखिए, भारतीयता हमारी शान है, भारत माता की सेवा करना ही हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य होता है। इसलिए भारत माता की सेवा करने के लिए आप और हम जीवन भर तत्पर रहें। इस समय भारत माता की सेवा करने का सुनहरा अवसर है, घर में रह के पढ़ाई करें। इस समय घर पे रहना और घर में रहकर अपने परिवार के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना, साथ ही साथ अपने अंदर इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ाना, क्रिएटिविटी आइडियाज को बढ़ाना। कहते हैं ना, खाली समय अगर मिल जाए तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने को, अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को आप क्रिएट करके आप उसे एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, एक इनोवेटिव आइडियाज, एक क्रिएटिविटी माइंड के साथ कुछ नया करने की आप सोच सकते हैं। उसके लिए हम आपको सहारा दे रहे हैं, उसके लिए हम आपको एक से एक बातें सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई भी किसी तरह की शंका समाधान करना हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के माइंड में प्रश्न उठते हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर
आप उस पर अपने कमेंट दीजिए ताकि हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सके। साथियों ये मत भूलिए, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी सबसे आगे होते हैं। इस समय आप हाउ द जोश, हाई द जोश के नारे को आगे बढ़ाइए। हाउ द जोश, तो आप बोलिए हाई द जोश, तो इसी हाई द जोश के साथ आगे बढ़िए, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपना, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपनी एनर्जी को मेंटेन करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, क्रिएटिविटी माइंड के साथ, एक नई एनर्जी के साथ भारत को, अपने परिवार को, अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हाउ द जोश, हाई द जोश, तो इस उम्मीद के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके स्टूडेंट्स, ओके भाइयों, ओके साथियों, तो जैसे ये लॉकडाउन खुलता है, कोशिश जब भी खुले फिर वही यादें ताज़ा होंगी, इस उम्मीद के साथ अभी अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।